ऐसा कोई मनाता है? मुझे तो बिल्कुल पसंद ही नहीं है भाई। मैं देखिए दोस्तों क्या हुआ, दोस्तों गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग्स। दोस्तों आज है मंडे और आपको पता होगा आज छुट्टी का दिन है कानपुर में, बिकॉज आज कानपुर में चुनाव है। कानपुर के व्यूअर्स तो जानते होंगे और लेकिन बाहर के लोग नहीं जानते हैं जो मेरी वीडियो आउट ऑफ सिटी देखते हैं, लेकिन दोस्तों घर में देखते हैं मम्मी और एलिस क्या कर रहे हैं, बिकॉज आज तो इनकी मौज है। एक मम्मी को भी नहीं उठना पड़ा, एलिस को स्कूल भी नहीं जाना पड़ा। आइए देखते हैं, बताते हैं क्या कर रहे हैं दोनों, ठीक है। ये देखिए एलिस स्कूल भी नहीं गई, यहाँ पे ब्लेजर पड़ा हुआ है एलिस का, यहीं पे एलिस रखती है, कभी इसको कायदे से नहीं रखती है, उसकी गंदी आदत बस यही है, ठीक है। देखिए धूल वूल पड़ रही है, कोई वो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए देखते हैं अंदर जाके। ये देखिए दोस्तों मम्मी क्या कर रही है और एलिस देखिए क्या कर रही है। एलिस क्या कर रही हो? पढ़ाई। कौन सी पढ़ाई है? अकाउंट सी। किताब दिखा दो। देखिए दोस्तों अकाउंट्स पढ़ रही है, अकाउंट्स, ठीक है। और अकाउंट्स लवर लाइक ठोके के मम्मी क्या कर रही हैं? मम्मी धनिया तोड़ रही है, चटनी के लिए। अच्छा अच्छा धनिया, धनिया देखिए मम्मी ने इतना तोड़ चुकी है, ठीक है। आज क्या बनाओगी ना लंच में बेटा? आलू के पराठे और चाय और चटनी। अच्छा, गरम गरम। तो एलिस तो भाई आज चांदी है, स्कूल भी नहीं गई है, ठीक है, पढ़ाई भी कर रही है। दोस्तों कानपुर का जो मौसम है ना भाई, बड़ा चौड़िया गया है और बहुत मौसम खराब हो चुका है, लिटरली बता रहा हूँ मैं। और यार दो मिनट में कानपुर के पता नहीं मौसम को क्या हो गया है कि कभी बारिश गिरती है, कभी ओले गिरते हैं, ओले सॉरी बर्फबारी होती है। लेकिन अभी मौसम आप देख सकते हैं, देखिए दोस्तों कितना भयंकर मौसम चल रहा है। अभी वैसे 3 बज रहे हैं लेकिन 3 बजे का मौसम लग नहीं रहा है, ये लग रहा है कुल मिला के 6 बजे का मौसम। लेकिन जैसे जैसे पानी गिरेगा आपको तुरंत बताएंगे, लेकिन आपको थोड़ी अपडेट्स आपको बता देते हैं, ठीक, आपको मौसम दिखा देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम हैं तो काहे की दिक्कत। आइए आपको दिखाते हैं डायरेक्ट आसमान। दोस्तों आप देख सकते हैं बादल, ठीक है, बादल इतने भयंकर हो चुके हैं कि मौसम बिल्कुल नहीं है, मस्ती आ रहा है और रोमांटिक वाला मौसम हो चुका है। और हमारे भाई भौजियों जाइए आप आराम से डेट करो भैया। दोस्तों फाइनली इवनिंग चल रही है और यार पानी नहीं गिरा है, ठीक है, भगवान की दया से पानी नहीं गिरा है। और मौसम आप देख सकते हैं कितना अच्छा मौसम लग रहा है, ठीक है, लेकिन हवा बहुत तेज चल रही है इसलिए बादल जो है चले गए हैं उड़ के, ठीक है। हमारी नानी कहती थी कि जब हवा चले, ठीक है, तो बादल उड़ जाते हैं, पानी नहीं गिरता है। तो यार इवनिंग चल रही है, थोड़ा लेट लंच किया तो शाम के बज रहे हैं 5, ठीक है, थोड़ा चक्कर लगा रहे हैं भाई, खाना हजम हो जाए, तो यही चीज़ है। और तो यही चीज़ पीछे आप, ये मेरे ऊपर वाला है सिस्टम जहाँ मैं टहलता रहता हूँ और यहीं पे ज़्यादा मैं ऑलमोस्ट वीडियोस कैप्चर करता हूँ, अपने व्लॉग शूट करता हूँ। और पीछे आप देख सकते हैं कितना अच्छी तरीके से व्यू आते हैं, पानी की बौछार भी आ चुकी है। दूसरी चीज़ ये है कि दोस्तों हम लोग बड़ा खुश हो रहे थे कि यार पानी नहीं गिरा, हवा तेज चली, बादल ले जा रहे हैं, ठीक, लेकिन अफसोस पानी गिर गया है। लेकिन खुशी की बात भी है, बिकॉज देखिए पानी कितना गिरा है, आपको दिखा दे रहा है, बंद है अभी, लेकिन देखिए दोस्तों, ठीक है, पानी कितना गिरा है, ठीक है, पानी बहुत गिरा है और यही चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि अब पानी गिरा है तो कुछ खाना पीना ही बनता है, ठीक है। तो भुट्टा खाने का बड़ा मन था लेकिन भुट्टा तो नहीं मिला भाई, तो भुट्टा नहीं मिला तो हम ये ले आए भाई, कि अब इसके अंदर क्या होगा बताइए, नहीं पता, आइए दिखाते हैं क्या होगा इसके अंदर। आवाज आ रही है? आ रही है ना दोस्तों, ये हमारी प्लेट है और ये हमारा स्पून है, अब इसके अंदर है क्या आइए दिखाते हैं, ठीक है। ये दोस्तों देखिए 10 रुपए में मिला है मुझे ये, इतना सब कुछ, ठीक है, देखिए दोस्तों पूरी तरीके से निकाल ले भाई, क्या निकालना है बेटा, कायदे से निकाल दो। देखिए दोस्तों क्या क्या है इसके अंदर, ये मात्र 10 रुपए में है, ठीक है, देखिए दोस्तों हटो बेटा, देखिए दोस्तों 10 रुपए में क्या क्या है इसके अंदर, चना है, ठीक है, मूंगफली है
और ये कॉर्नफ्लेक्स टाइप का होता है, ये है लैया है ठीक है, और प्याज है ठीक है, और चटपटे के लिए हल्की हल्की हरी मिर्चा डलवाई है। ठीक है दोस्तों, आपके देश में इसे क्या कहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है देखिए दोस्तों, एक हम लोग एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं इसके ऊपर। मैंने कहा था, ये एलिस ने कहा था, ये है एलिस देखिए दोस्तों। नहीं, मेरी शक्ल है। ठीक है ये देखिए, आप हम लोगों ने जैसे कि दोपहर को आलू के पराठे बनाए थे, और मम्मी की ये होममेड हरी चटनी है जो धनिया मिर्चा ये सब से जो बनाती हैं हमारी मम्मी वो हैं। अब ये चटनी हम इसके ऊपर डालेंगे, ये एक्सपेरिमेंट आपने किया है। अरे जरा सा लो, पता नहीं करना। ठीक है लेकिन हम करेंगे, देखिए दोस्तों अब जरा चटनी लेंगे। आई थिंक ये किसी ने एक्सपेरिमेंट किया होगा, बहुत लोग करते हैं। देखिए दोस्तों चटनी मिला ली है। ठीक है देखिए, अगर तब भी विश्वास नहीं हो रहा देखिए, थोड़ी और डाल दे रहा चटनी में। अबे आओ भैया, देखिए चटनी आ गई। ठीक आइए हम लोग खाते हैं। जैसे कि ये हमारा आ गया है कॉर्न, ठीक इसमें हरी चटनी मिली हुई है। आइए कैसा लग रहा भाई? अंकल जी ने चटपटा बहुत कर दिया है। और ऐसा कोई मनाता है? मुझे तो बिल्कुल पसंद ही नहीं है भाई। ठीक है इतना अंकल जी ने कहा था कम चटनी करना, चटनी हमसे निकाली जा रही है। और कैसा लग रहा? 10 में से 2 नंबर। अब बिना चटनी के इसको देख एलिस खा रही है। कड़वा है ना? कितना कड़वा है? भाई देखा दोस्तों बहुत कड़वा है। मैं 10 में से भाई 2 ही नंबर दे सकता हूँ। बिकॉज अंकल जी से मैंने कहा था बहुत कम कड़वा करिएगा, तीखा कम करिएगा, लेकिन इतना तीखा कर दिया कि भाई पसीना छूटने लगे ठंडी में। देखिए दोस्तों क्या हुआ, आज का ब्लॉग हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, भारत माता की जय। माई पाई लाओ, बाय बाय, लव यू।